पेपर देखा करो ना, पेपर वह देखोगे तो आपको क्लू मिलेगा ना उसका। पेपर में दिया है ना, अरे पेपर हल करना है, आप लोग लिख लोगे ये सब चीज, बशर्ते लिखना आना चाहिए। अभी वृद्ध वृद्ध सब आएंगे, युवा महिला वृद्ध एससी एसटी विकलांग। अब जैसे देखो इसमें कुछ नहीं, एक को बताएंगे दस अपने आप जान जाओगे। जैसे हम जब सामाजिक इसकी बात करेंगे ना, तो जैसे हमने कहा एससी एसटी, अब आपको क्या करना है, जो आपको करना है आपको इससे जुड़ी योजना पे ध्यान देना है। जो इससे जुड़ी योजना है उस पर आप ध्यान दीजिए, एससी एसटी के विकास के लिए क्या उपयोजनाएं हैं, क्या योजनाएं हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या स्टेट गवर्नमेंट क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटी देती है ना, उसको थोड़े से पीछे से आगे तक की योजनाओं का एक कोरिलेशन रखिए। सोशल जस्टिस के एस्पेक्ट में या मददगार होते हैं, कुछ तो संवैधानिक हो गए जो प्रावधान है ना, नीति निर्देशक तत्व में चले जाएंगे तो बहुत सारे मूल जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस को रिकग्नाइज करते हैं, और बहुत सारे क्रियान्वयन के पक्ष हैं, योजना के पक्ष हैं, जो सरकारें समय समय पर परिस्थितियों के साथ काम करती रही हैं। उन योजनाओं को उभार लीजिए, लिस्टेड कर लीजिए, थोड़ी उसकी इन्फॉर्मेटिक हो जाइए, इन्फॉर्मेटिक, एजुकेटेड होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेटिक हो जाइए भाई। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया कि जैसे अरुणाचल के तवांग में मान लो चीनी और भारतीय सैनिकों का जो झड़प हुआ, तो आप इन्फॉर्मेटिव हो जाइए, पर्याप्त है। जैसे आप इन्फॉर्मेटिव होते हैं आपको डोकलाम याद आ जाएगा जून 2020 का, उसके ओ जून 2017 का, पूर्वी लद्दाख याद आ जाएगा जून 2020 का, ऐसे और पीछे जाएंगे तो आपको घटनाएँ याद आ जाती हैं। तो जब घटना को कोरिलेट कर लेते हैं तो फिर इतिहास सामने आ जाता है। तो आप थोड़ा कोरिलेशन वाली स्टडी कीजिए, योजनाओं को थोड़ा लेटेस्ट जो है उसको ध्यान रखते हुए थोड़े से बाइक में चले जाइए, आराम मिल जाता है। अब जैसे माना एससी एसटी का हो गया, अब जैसे मान लो महिलाएं हैं, ठीक है ना, महिलाएं, महिलाओं के लिए देखोगे सशक्तिकरण को लेकर के, लैंगिक न्याय को लेकर के, है ना, उनके जो सुरक्षा को लेकर के बहुत सारे डायमेंशन के साथ उनके लिए भी योजनाएं लाई गई हैं, है ना। कुछ तो कानूनी है, कुछ सांविधिक हैं, कुछ सरकारी पक्ष की ओर से, ठीक है ना, जो सरकार समय समय पर फैसिलिटी देती है। अब इसमें कई चीज़ें हो गई, जैसे माना महिलाओं के कई कैटेगरी के लिए, जैसे वृद्ध महिलाएं हैं तो वृद्धा पेंशन होगा उसमें, है ना, वृद्धा पेंशन में पुरुष भी आ गया, बट वृद्धा पेंशन जैसे बोल दिए उसमें भी महिलाएं इन्वॉल्व है। महिला सुरक्षा की बात कर दीजिए उसमें भी, महिला सेल की बात कर लीजिए, महिला अधिकार आयोग की बात कर लीजिए जो मानवाधिकार आयोग की तरह महिलाओं के लिए बना हुआ है। तो ये सभी चीज़ें क्या हो गया, सोशल जस्टिस की ओर है ना, ये सामाजिक न्याय की एक अवधारणा ही तो, उसकी ही तो परिपूर्ति करते हैं। अब इसके लिए अगर हम क्लास में खड़े होकर के रोज 10 घंटा लेक्चर दें और तब आपको समझ में आया तो फिर चक्षु नहीं खुला ना, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमने विकलांग के लिए बोल दिया, जिसको अब दिव्यांग कहा जाता है, दिव्यांग वादा हुआ समझिएगा इसको, ठीक है ना। अब इनके लिए भी योजनाएं हैं, इनसे जुड़ी जो योजनाएं हैं, ये सब योजनाएं क्यों लाई गई, सिर्फ एक ही चीज तो है, सामाजिक न्याय के लिए। और सामाजिक न्याय अभी आपने कल के लेक्चर में पढ़ ही लिया है, कुछ का मानना है कि इक्वालिटी ला दो तो सोशल जस्टिस हो जाएगा, कुछ का मानना है इक्वालिटी लिबर्टी ला दो सोशल जस्टिस हो जाएगा, कुछ का मानना है नहीं यार दोनों लाओ, और कुछ का मानना है फ्रेटर्निटी ला दो सोशल जस्टिस आ जाएगी, यानी चाहे समानता लाओ स्वतंत्रता लाओ, समानता और स्वतंत्रता लाओ, या बंधुता ला दो बंधुत्व की भावना, सोशल जस्टिस हो जाएगा, ठीक। ऐसे बहुत सारे असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, भूखमरी के कगार पर लोग हैं,
इनके लिए जो योजनाएं हैं, है ना, वृद्ध के लिए जो योजनाएं हैं, वृद्धों के लिए जो है, ठीक है। तो ये सब जो अलग अलग पहलू के लोग हैं, इनको सामाजिक न्याय की जरूरत है ना भाई। बहुत सारे लोग कुष्ठ रोग से ग्रस्त हैं, है ना, हेल्थ की दृष्टि से, जैसे हम कहें स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो चला जाएगा ना एंगल वहाँ पर। वैसे तो कॉमन फिनोमिना यह है, आयुष्मान भारत भी तो एक योजना है, तो सामाजिक न्याय भाई, बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, इलाज नहीं करा पाते, तो वहाँ कहीं ना कहीं ये काम कर जाएगा। कुष्ठ रोगी हैं, हेल्थ की दृष्टि से, मानव विकास की दृष्टि से अगर बात करिए, तो भी वहाँ बहुत सारी योजनाएं आपको मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ें क्यों बनाई गई, क्यों लाई गई? ये सारी चीज़ें लाई गई सोशल जस्टिस को लेकर, सामाजिक न्याय को लेकर। तो ये योजनाएं तो अखबार में कम ज़्यादा कभी कदार देखने को मिलती रहती हैं, है ना। नहीं तो आप प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पर जाइए, हेल्थ की वेबसाइट को, हेल्थ वाला सेक्शन में जाके देखिए, एक आध महीने में जो हुआ है वहाँ से कुछ नोट कर लीजिए। हाँ, अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, सामाजिक न्याय विभाग वगैरह हैं कि नहीं है, क्यों भाई है ना, तो उन सबको गौर कर सकते हैं, तो वहाँ से ले लो। मैं जैसे अभी बोल रहा था कि भारत आएगा, अभी 2023 किताब आती है, जनवरी में आ जाती है, उसमें बहुत सारी सरकारी योजनाओं का जिक्र रहता है, हर पहलू से अलग अलग, वहाँ से भी ले सकते हैं, अखबार से ले सकते हैं, पत्रिका से ले सकते हैं। तो ये तो आप जब अपनी कॉपी में कम ज़्यादा समझ करके लिखेंगे तभी तो ये कलेक्शन होगा, नहीं तो योजनाएं तो ऐसे बिखरी हुई हैं। फिर इसको जहाँ जैसी नीड है, अभी तो हम आपको टेंडेंसी बता रहे हैं सोशल जस्टिस का, हम तो एक टेंडेंसी बता रहे हैं ना, जैसे हम आपको अभी रोल में ला रहे हैं कि पहले सोशल जस्टिस के स्ट्रक्चर को तो समझ जाइए। अब आप इसमें ज़रा एक कमाल की बात ज़रा सोच के देखिए, ये जितनी भी बातें आप अभी थोड़ा सोच रहे हैं, इससे भी ज़्यादा थोड़ा मोड़ा हो रहा है। किसी भी पहलू पर निबंध में ये मददगार है कि नहीं है? इतना छोड़िए, आप सीसैट को देखिए, सिविल सर्विसेज वगैरह जो सीसैट है, या जहाँ कॉम्प्रिहेंशन पूछता है सीसैट में, सीसैट के कॉम्प्रिहेंशन पे चले जाइए, इसी पे एक कहानी बना देता है और एक सवाल पूछ लेगा आपसे, एक पूछ ले, दो पूछ ले, तीन पूछ ले, वो तो उसके ऊपर है। अब वो कॉम्प्रिहेंशन 250 शब्द का बनाएगा और आपसे उम्मीद करेगा फटाफट पढ़ करके उसमें उत्तर समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ कॉम्प्रिहेंशन का भी काम भाई, जितना एलिमेंट्री आपका अप्रोच होगा, अंक गणितीय मैं कह रहा हूँ, विचार जितना होगा, एलिमेंट्री जैसे मैथमेटिक्स होती है, उतना बेहतर आपकी स्टडी होगी। अब आप सोशल जस्टिस भी कर रहे हैं, निबंधात्मक भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, यही में आप पढ़ते समय ये भी तो पाएंगे ना कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, SST के लिए, दिव्यांगों के लिए, वृद्धों के लिए, है ना, क्या क्या सरकार ने योजनाएं लाई हैं वगैरह वगैरह। तो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में भी तो कोई योजना पूछ लिया, वहाँ भी तो बताने लायक रहेंगे, तो प्रीलिम्स को भी साध सकते हैं, निबंध को साध सकते हैं। सोशल जस्टिस का जो सेकंड पेपर में पोर्शन है वो तो हो ही रहा है, इतना ही नहीं, आप जाके पढ़िए एथिक्स को, क्या लिखा है, गरीबों के प्रति, असहाय के प्रति, या लोगों को दया की भावना। जब आपको पता ही नहीं चलेगा, जब आप दुनियादारी को, प्रॉब्लम्स को देखेंगे ही नहीं, तो आपका सेंटिमेंट्स भी तो बाहर नहीं आएगा ना भाई। कोई आदमी गरीब देखे ही ना, तो सेंटिमेंट्स भी तो बाहर नहीं आएंगे उसके। तो जब ये चीज़ें पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस क्या है, एक इथिकल ही तो ग्राउंड है, एक नैतिक जमीन पर ही तो सोशल जस्टिस तैयार होता है ना भाई। जो लोग डिक्टेटर हैं, ऑटोक्रेसी हैं, गुंडागर्दी करते हैं, वो थोड़ी ना सोशल जस्टिस करेंगे। सोशल जस्टिस वो करेगा जिसके अंदर सदाचार है, सद्गुण है, एथिक्स है, इंटीग्रिटी है, वही तो करेगा सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय को पुश करने के लिए
एथिक्स, और एथिक्स से ही सामाजिक न्याय भी पुष्ट होता है, आपस में इसका गहरा नाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि लोकतंत्र जो है स्वयं में एक गुड गवर्नेंस है। लोकतंत्र बड़ा शब्द है ना, अच्छा शब्द है। लोकतांत्रिक सरकारें स्वयं में गुड गवर्नेंस है। जैसे आप माँ बाप के साथ हैं, इतने भी पूरा बाजार खरीद सकते हैं, क्या समझे? आप बाजार में अपने माँ बाप के साथ हैं तो आप समझ लो बाजार आप ही खरीद सकते हैं। लेकिन बाजार क्यों खरीदेंगे, क्या जरूरत है बाजार खरीदने की? जूता लेना था ले लिए, चप्पल लेना था ले लिए। लेकिन आपके मन में ये बात अगर आ जाए और आती है कि हम तो पूरा बाजार खरीद सकते हैं, तो सिर्फ माँ बाप साथ में होंगे तभी आ सकता है। तो अगर आपके पास एथिक्स है तो दुनिया का कोई भी आदमी आप पे भरोसा कर सकता है। अगर हम लोकतांत्रिक सरकार हैं तो हम समझ सकते हैं कि सरकारें अगर गुड गवर्नेंस का काम नहीं करेंगे तो बीमार हो जाएंगे, असाध्य बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। माँ बाप अपने बच्चों के लिए ठीक से काम ना करें तो ठीक से जिंदा ही नहीं रहेंगे। लेकिन यही बात बच्चों के लिए लागू होता थोड़ा उल्टा हो गया है कि बच्चे अपने माँ बाप के लिए अच्छा सा ना करें जिंदा रहेंगे कि नहीं ठीक से, कई तो उनके साथ खराब करके ही ठीक से जिंदा रहते हैं, है ना। तो यहां दी गई ऊर्जा वर ली गई ऊर्जा नहीं है, यहां ऊर्जा ली जाती है पर दी नहीं जाती है। तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऊर्जा तो लिए लेकिन जब उनको ऊर्जा देने का टाइम आया तो दिए नहीं, तो यहां विज्ञान का नियम विफल हो जाता है। क्यों? तो सोशल जस्टिस जो है स्वयं में एक बहुत एकीकृत शब्द है। ये न्याय की दृष्टि से, इक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिबर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वाइड है ये, और आपको बहुत आसान है ये आपके लिए। आसान क्या है, अलग अलग कैटेगरी के योजनाओं को थोड़ा दिमाग भी रखिए और सवाल के हिसाब से उसको पिरो दीजिए। बाकी इसका जो नरेटिव है, इसका जो सैद्धांतिक पहलू है, उसको किताबी तौर पर जान लीजिए, बस इतने में गुजारा हो जाएगा। और यह चीज़ कम ज़्यादा, चूंकि ये बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना भाई, ये तो व्यवहारिक सब्जेक्ट है तो दिखता रहता है, तो कम ज़्यादा इससे पहचान है आपकी। लेकिन वही है कि परीक्षा की दृष्टि से इसको कैसे तैयार करें, बोल उतना ध्यान देना है। तो जो हम हेडिंग बना रहे थे कि कंसेप्चुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल वेलफेयर, अब देखो सोशल जस्टिस डिपेंड्स ऑन सोशल वेलफेयर। और आप चले जाइए नीति निर्देशक तत्व में, ये राज्यों की ड्यूटी है कि आप लोक कल्याणकारी व्यवस्था की स्थापना करें। 36 से 51 आर्टिकल के बीच में भारतीय संविधान का भाग 4 के आर्टिकल 36 से 51 के बीच जाएं तो क्या है वो? लोक कल्याणकारी स्थितियों को तो ही दर्शाता है वो। समान नागरिक संहिता का आजकल जो हल्ला चल रहा है, चलता ही रहता है वो, तो अभी पार नहीं मिला उससे। वो आर्टिकल 44 कहाँ है? उसी के बीच तो है भाई। तीन तलाक का कानून 2019 में आया, तीन तलाक से जो एक प्रकार से लैंगिक अन्याय था कि नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी में एक अनजस्टिस था ना महिलाओं के साथ, तो उसको क्या किया, उसको जस्टिस में तब्दील किया ना। तो तीन तलाक क्या हो गया, एक लैंगिक अन्याय को समाप्त करने की एक व्यवस्था दे दी गई। तो इससे महिलाएं क्या होंगी, एम्पावर्ड होंगी, सशक्त होंगी। उनका एक कमजोर पहलू था ना ये, तो गवर्नमेंट ने उसको खत्म कर दिया, ठीक है ना। तो इससे क्या हो गया, एम्पावर्ड हो गई, तो सोशल जस्टिस हो गया ना देखा जाए तो। अच्छा बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिता की संपत्ति में पुत्रियों का भी हिस्सा होगा, ठीक है। पुत्र का मतलब हम लोग तो अगर सनातन पुरातन देखें
तो पुत्री भाई कहें या ना कहें दोनों संतान है तो हिस्सा हो जाना चाहिए, लेकिन हमारी एक प्रथा और एक परंपरा रही है कि पुत्री जो है वो दूसरे के यहाँ ब्याही जाती है तो वहाँ की संपत्ति ऊपर एकाधिकार उसका होता है, तो यहाँ जो पुत्र है उसका एकाधिकार क्योंकि उसका ब्याह होता तो यहीं रहता है। तो ऐसा एक मतलब हमारी व्यवस्था चली आ रही थी, ऐसा एक बंटवारा था। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुत्रियों का भी इसमें हक है ना, लेकिन आप इसको आराम से जरा सोच के देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो ठीक है, लेकिन कौन पुत्री है जो अपने पिता की संपत्ति में बंटवारा करा रही है? प्रथाएं तो वही चली आ रही है, क्यों भाई? प्रथा तो वही है ना, क्योंकि उसको पूरा संकेत है ना, पता है ना कि उसको जहां ब्याह हुआ है वहां। अब फिर ये दो तरह की, ये ठीक है इक्वालिटी को, जेंडर इक्वालिटी या भाई बहन के बीच में या पिता की नज़रों में कि दोनों संतानें एक जैसी ही हैं, ये सब का तो हो गया मान लिया, चलो एक और लीगल एस्पेक्ट भी आ गया, लेकिन एक व्यवहारिक एस्पेक्ट ये भी तो है ना कि भाई अगर मान लो पुत्री जो है का अपने भाई के साथ बंटवारा करती है, मान लो एक बेटा बेटी है, पिता की संपत्ति में दोनों ने आधा बांट लिया, ठीक है ना, तो जहां पुत्री का विवाह हुआ है वहां भी वो जो बहन है जो उसकी ननद है वो तो बंटवारा करेगी ना वहां पर, तो ले दे के मामला तो वैसे ही रहेगा, एक खूब बवाल और रहेगा। तो इसमें रिश्ते की जो संवेदना है, सैद्धांतिक तौर पर ये महिलाओं को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में यानी बेटा बेटी के अंतर को पाटने में ये बहुत मददगार हुआ, जो पुत्री की पराई होती है इस थ्योरी को यहां पर डिसॉल्व कर दिया, पुत्री पराई नहीं होती, पुत्री यहीं रहती है, पराई वाला कंसेप्ट खत्म हो गया ना। अरे यार तुम्हारे संपत्ति में उसका भी हिस्सा है, काहे बात का पराई है, पराए लोग लेते हैं क्या संपत्ति ना, है ना। तो ये कंसेप्ट को तो आपने खत्म किया तो अच्छी बात है, ये गलत बात थी, ये पुत्री पराई काहे के लिए पराई है, ब्याह शादी ही तो हुआ है, आजकल तो पुत्री से ज्यादा पुत्र पराए हो जा रहे हैं। हाँ हाँ व्यवहारिक तो यही है, कोई अमेरिका गया लौट के ही नहीं आ रहा है, कोई शादी ब्याह कर लिया माँ बाप को घर से ही निकाल दिए, शादी ब्याह कर लिया कहीं बस गया आता ही नहीं है, खतरनाक परायापन तो पुत्र में है, पुत्र तो फिर भी बुखार जुखाम परेशानी बेचारी दौड़ के आएगी, जो सामाजिक ढांचा है उसमें जो आया परिवर्तन है मैं उससे आपको बता रहा हूं, और ये व्यवहारिक तौर पे आप देख सकते हैं, कम ज्यादा हो सकता है बट उपलब्ध है ना, ये आंकड़े उपलब्ध हैं या परिस्थितियां उपलब्ध हैं तो चर्चा डिबेट तो होती ही रहेगी, देखते नहीं कि वो पुत्र मर गए, पिता मर गया पुत्र कांधा देने ही नहीं आया, पढ़ते नहीं रहते अखबार में कभी ऐसे या फेसबुक व्हाट्सएप में आ नहीं जाती घटना को, अमेरिका से आया ही नहीं, एक लखनऊ में थे कोई रिटायर्ड आर्मी अफसर थे है ना, उनकी वो पढ़े होंगे, माँ मर गई उसकी, एक बेटा आया, दोनों अमेरिका में थे, पिता ने पूछा कि वो क्यों नहीं आया, तो उसने सही बात क्या बोला मालूम है, कि उसने कहा कि माँ के मरने पर तुम चले जाओ, पिताजी में हम चले जाएंगे, यानी पिताजी का जब देहांत होगा तो हम चले जाएंगे। तब उन्होंने क्या कहा, ये क्या समझ रहे हैं आप, ये तो दो चार दिल हो तो चारों को अटैक आ जाएगा, ये कौन सी फिलॉसफी हमारे समाज में डेवलप हो गई कि दो पुत्र जो है इस बात के लिए बंटवारा कर लें कि माँ के मरने पर तुम जाओगे पिता के मरने पर हम चले जाएंगे, ये तो नरेटिव ही नहीं, ये तो हमारी फिलॉसफी नहीं, हमारी सनातन पुरातन में कौन सा आयब आ गया, कौन सा ये बवाल आ गया, ये उस पिता को बहुत कष्ट हुआ होगा ना, उन्होंने जाकर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली, कमरे में गए और गोली मार लिया, और इस बात का आप इस बात को यहीं खत्म मत करिए, आई गई घटना नहीं है ये, हमारे समाज का वो विचलित रूप है और वो खूंखार पक्ष है जिससे हमें सबक लेने की जरूरत है कि हम कहां खड़े हैं। हाँ भाई आप क्या कर रहे हैं, कहां खड़े हैं, कौन सा न्याय करने जा रहे हैं,
और किस्म किस्म के आप हो गए हैं, इन सब की पर डिबेट नहीं होगा, चर्चा नहीं होगा, बातचीत नहीं होगा, तो हमारा समाज रसातल में कितनी तेजी से जा रहा है हमको पता भी है? आप जरा कल्पना करके देखिए इस 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 पूरे घटनाक्रम को, जरा आप सोच के देखिए, सिहर जाता है आदमी। क्यों? तो ये संकल्पनाएं, ये कल्पनाएं, ये व्यवस्थाएं बहुत दूषित हो चुकी हैं। ऐसे में सामाजिक अन्याय की तो आप क्या करोगे? इथिकली आप करेक्ट हो? मान लो उस लड़के की बात कर रहा हूं, इथिकली करेक्ट है? नहीं है। अरे सोशल जस्टिस सोलो यार, तुम इंडिविजुअल जस्टिस नहीं कर पा रहे हो। मान लो आप छुट्टी लेना पड़ेगा, कुछ नुकसान हो जाएगा वगैरह वगैरह जो भी रहा होगा, लेकिन आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं कि मां के मरने की सूचना मिली और आपको, आप योजना बना रहे हैं कि पिता के मरने पर हम जाएंगे? कमाल योजना है आपकी। और पिता तो पुराना था ना, मतलब तुम्हारी सोच का तो था नहीं, तो उसको झटका लगा ना कि कैसी संतानों को पैदा कर दिए, कैसे लोग पैदा हो रहे हैं आज की तारीख। तो वो अपने गुनाहों की सजा दे रहे थे, जैसे कि मैं इतना खराब पिता कैसे हो सकता हूं, मुझे जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। इनडायरेक्टली तो यही मैसेज दे रहे हैं ना वो भाई, उन्हें अपनी जिंदगी से मोह खत्म क्यों है? क्योंकि उन्होंने सोचा कि हमने तो इतना बड़ा अन्याय कर दिया, हमें जिंदा ही नहीं रहना चाहिए, इतनी बेहुदा औलाद पैदा की है जो माँ बाप के मरने आने पर योजना बना रहा है। तो ये जो व्यवहारिकता में जो दिख रही है, अब ये कोई अभी यही यही कहानी, जैसे आपको उदाहरण के तौर पे हम प्राचीन काल की कोई कहानी सुनाएं तो आपको लगेगा अरे ऐसा हुआ होगा उस जमाने में, है ना, लोग कैसे कैसे लोग थे, बड़े खराब लोग रहे होंगे, ऐसा सब करके टाल, क्या बात कर रहे हैं आप? 100 साल के बाद यही कहानी कोई सुनाएगा, कहें कैसा समाज था, कैसा बेहुदा समाज था। तो सोशल जस्टिस जो है ना, एक हमारी इंटीग्रिटी का, एटीट्यूड का, एथिक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है, ये हमें अच्छे होने का ये सबूत देता है। जैसे हमने 3 तलाक का बोला, एक लैंगिक न्याय था ये, पुरुषों के लिए तो कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए 3 तलाक तो चलो तुम रेलवे स्टेशन में 2 बच्चे लेके बैठी रहो, क्यों भाई 3 तलाक बोलने में ऐसा क्या जा रहा है? समान नागरिक संहिता की जो बात होती है उसमें ये सब चीजों का बड़ा महत्व है ना। सुप्रीम कोर्ट भी बार बार उकसाता रहता है कि यार करो इस पे कुछ कानून वानून बनाओ, बहुत दिक्कत है भाई। अरे विवाह चाहे जैसे कर लो, तलाक तक जैसा ले लो। आपने देखे होंगे जो हिंदू मैरिज एक्ट है, है ना, हिंदू विवाह का जो अधिनियम है, उसमें डिस्क्रिमिनेट कौन है? मुस्लिम का अपना है पर्सनल लॉ, लेकिन सिख को देखिए उसी में मैनेज है, बौद्ध को जैन को देखिए उसी में मैनेज है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो इनमें है ही, थोड़े लोग बचे हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड में नहीं है भाई। जैसे 6 लोग में 4 लोग एक ही तरह का ड्रेस पहने, 2 लोग नहीं पहने, कह रहे यार ऐसे तुम भी पहन के आया करो, टेंशन नहीं रहेगी, पता चलेगा हमारे समूह के हो। बस यूनिफॉर्म सिविल कोड उसका नाम ही है, यूनिफॉर्म पहन के बच्चे नहीं जाते स्कूल में, एक ही स्कूल के लगते हैं जब निकलते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी ये सोशल जस्टिस उठाया गया कदम ही है, जो अभी तक उठाया तो गया, रखा नहीं गया है। आर्टिकल 44 तो जब से संविधान बना तब से है ना, कम ज्यादा कोशिशें तो अभी 2-3 दशक से हो रही हैं, लेकिन कदम रख दिया जाएगा तो ये भी एक महत्वपूर्ण कदम हो जाएगा। ठीक भाई, कोई धर्म थोड़ी बदल रहा है, कोई आपका रीति रिवाज थोड़ी बदल रहा है। अरे कोर्ट में यार जाते हो, तलाक बुला लेंगे, एक नियम कर दो, और भी जो थोड़े सप्लीमेंट्री चीजें हैं, जिससे कोई ऐसा रिलीजियस फैक्टर नहीं है इसमें, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और किसको प्रॉब्लम है जब बताओ भाई, 302 के
के सजाएं बनी हैं, 307 की बनी हैं, बलात्कार के बने, इसके बने, उसके बने हैं। अरे जिसको इन सबसे मतलब नहीं है, समाज में अच्छे से रहता है, नैतिक रूप से रहता है, उसके लिए कितने भी कानून बने क्या फर्क पड़ता है उसको? कानून से तो वो डरे जो कानून तोड़ता है। हाँ, अगर हम डीएल रखे हैं, वो पर्यावरण वाला जो धुआं निकलता है उसका सर्टिफिकेट भी रखे हैं, हाँ ठीक है, बीमा रखे हैं, गाड़ी ठीक से चलाते हैं, पार्किंग में रखते हैं, रेड लाइट पर रुकते हैं, तब किस बात का चालान कटेगा यार? हाँ, किस बात का चालान? तो उनका कटेगा जो ये सबसे के बगैर चल रहे हैं ना, बिना हेलमेट के चल रहे हैं, तो डरे तो रहेंगे आप ही। एक आदमी बढ़िया एडिडास का मस्त वाला हेलमेट लगाया हुआ है, गाड़ी का कागज भी मोबाइल में रखा हुआ है, पुलिस के सामने ब्रेक मारेगा? पुलिस के सामने बोले कागज दिखाओ, बोले ये है सर, हेलमेट देख ही रहे हो। और आजकल हेलमेट कई लोग होते हैं ऐसे खोपड़ी टाइप का एक हेलमेट रख लेते हैं, और ये जो इसका लगाने वाला उड़ता रहता है। जरा सा सर इधर उधर हो जाए हेलमेट बाहर, तो लिखा नहीं रहता होर्डिंग पे कि पुलिस से बचने के लिए हेलमेट मत लाइए, सर बचाने के लिए हेलमेट लगाइए। तो सोशल जस्टिस जो है एक प्रकार से सोशल वेलफेयर भी है, थोड़ा इसके पहले चर्चा किए होंगे। समाज कल्याण, सामाजिक कल्याण, इन सब का क्या कर रहे हैं? दिव्यांग ये वो सब क्या हो जाएगा? असहाय को, वृद्ध को, कुछ रोगी हो या कुछ इस तरीके, सबको अगर आप सुविधा दे दें तो क्या मिला उनको? अरे यार इनका कल्याण हो गया, कल्याण हो गया तो न्याय हो गया इनके साथ, ठीक है। तो न्याय अन्याय के बीच समाज कम ज्यादा हमेशा रहा है। आपने देखे होंगे कि उत्तर वैदिक काल में जब समाज बहुत पचपच हो गया था और बहुत डिस्क्रिमिनेशन था, बहुत भेदभाव से भरा हुआ था, तब जब भक्ति काल एक प्रकार से ये विचारधारा आई गौतम बुद्ध महावीर की, तो गौतम बुद्ध वगैरह की तरफ कौन लोग गए? वही लोग गए जो ज़्यादा पीड़ित थे, और वहाँ छुआछूत ऐसा कुछ था नहीं, तो उन्होंने भर भर के गले लगाया, बौद्ध धर्म आगे बढ़ गया। फिर देखे होंगे ब्राह्मण संस्कृति में भी परिवर्तन आया, क्योंकि उन लोगों को लगा कि इतना रिजिट रह करके व्यवस्था नहीं चलाई जा सकती, थोड़ा फ्लेक्सिबल हुए, लोशील हुए। एग्जिस्टेंस के लिए कभी कभी ये सब करना पड़ता है भाई। जिस सोसाइटी से आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं वो सोसाइटी आपके पास आएगी नहीं, और उसके बगैर आपका काम चलेगा नहीं है। जजमानी प्रथा में आप लोगों को तिरस्कार करते रहेंगे, धोबी आपका कपड़ा नहीं धोएगा, डोम जो होगा आपका मरे हुए जानवर नहीं उठाएगा है? आपके जो और हैं जो आपके खेतों में काम नहीं करेंगे, तो आपके तो आर्थिक रीढ़ ऐसे ही तोड़ देंगे वो, क्यों? तो आप वर्गीकरण हो सकता है, कार्यों का बंटवारा हो सकता है, लेकिन तिरस्कार अपमान भेदभाव से समाज को भर देंगे तो समाज का कोई भी आदमी जिंदा नहीं रहेगा, क्या समझे? तो इतने तो हमारे पुराने लोग भी समझते थे कि जजमानी प्रथा में किसका कहां क्या महत्व, वही देते रहो, है ना? तो सबको उसके स्तर का महत्व मिलता रहा है, तब ये गोलबंदी थी। नाई बाल काटता है, धोबी कपड़ा धोता है, जो गांव के और दूसरे वर्ग के लोग थे वो खेतों खलिहानों में काम करते थे, मुसहर जो होते थे गांव में विवाह शादी तेरहवीं में दोना पत्तल बनाते थे, कुम्हार जो होता है घड़ा गगरी कुल्हड़ ब्याह शादी में ये देता था, पानी भरता था आपके यहाँ, नाई जो है वो बाल बनाता था, गेहूं की कटाई धान की कटाई ऐसे तूर आते थे, ऐसे अलग अलग टाइम आते थे, तो उसको गेहूं ले जाता था, कोई धान ले जाता था, चावल ले जाता था, दाल ले जाता था, क्योंकि खेतिहर तो आप थे तो आप ही देंगे। अब ब्राह्मण क्या थे? कथा सुनाते थे, तेरहवीं हो, मर गया हो कोई आदमी, ब्याह हो, शादी हो, अलग अलग टाइप का सब ब्राह्मण व्यवस्था भी थी, पूजा पाठ होता था, श्राद्ध में नहीं बुलाते ब्राह्मण को, सब थी व्यवस्थाएँ ऐसी, और सबको उसके हिस्से का उतना सम्मान देना जरूरी था।
आप तिरस्कार करें वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि एक लेवल के बाद वो भी तिरस्कार नहीं सकते। डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था, लेकिन एक लिमिट के बाद अगर आप उसको अपमान देंगे तो चला जाएगा। तो इतने तो अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, तब भी इतने लोगों को बॉन्डिंग करके अपनी आर्थिक सामाजिक ग्रोथ में लगे हुए थे। धीरे धीरे जजमानी प्रथा सब खत्म हो गई। जो गांव का नाई था वो शहर का सैलून बन गया। क्या समझे? दोना पत्तल जो गांव के मुशहर होते थे, जो पेड़ों के नीचे झोंकी झोपड़ी बनाकर आप ही की जमीन पर रहते थे, वो सब अब दिखते नहीं है। अब तो फैक्ट्रियां बन गई ये दोना पत्तल बनाने की। यजमानी प्रथा खत्म। हस्तकारी, दस्तकारी, शिल्पकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में या अंग्रेजों के टाइम में कैसे खत्म हुई होगी? तो एक सेफ्टी रेजर आया, खत्म कर दिया यजमानी प्रथा को। एक दोना पत्तल बनाने वाली फैक्ट्री आई, खत्म कर दिया उस वर्ग को जो इस तरीके की सुविधा देता था। प्लास्टिक के बर्तन आ गए, चाय पीने के लिए कटोरे टाइप की चीजें आ गई, कुल्हड़, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया कुम्हारों के काम को, यजमानी प्रथा को। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो आईं, जो मझोली किस्म की कंपनियां आईं, इन्होंने यजमानी प्रथा का नाश मार दिया। और नाश क्यों मारा? नाश इन्होंने बाद में मारा, पहले मारा इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहले हमारी औद्योगिकरण और शहरीकरण आई। गांव में आदमी खाली रहता है, गेहूं की बुआई कर लेगा, अभी ये 15 दिसंबर खत्म हो गया, कर लिया, अब खाली बैठा रहेगा, जाड़ा में सिर्फ कपड़ा तापता रहेगा। उसके बाद अप्रैल में धान काट लो, गेहूं काट लेगा, फिर वही मई जून तक फिर खाली रहेगा। तो वो क्या करेगा? शहर में चल के क्या कमाई हो रही है? नकदी है नहीं, फसल का रेट तुम देते नहीं, MSP पे 6% खरीदारी करो, गांव का आदमी का मोह भंग हो जाता, चल देता शहर की ओर। वो जो एग्रीकल्चर लेबर थी इंडस्ट्रियल लेबर बन गई, इंडस्ट्रियल लेबर बन गई, गांव से पलायन, उसको नगद मिलता है 10-15, जब भी 5-8 पाता है, 2-4 में काम करता है, बाकी 2-4 घर दे देता है, खेती बाड़ी अपना, उसके घर के बीवी बच्चे जो और बच्चे उच्चे लोग हैं कर ही रहे हैं, घरेलू धंधा होता है खेती बाड़ी। तो खेती बाड़ी कोई नौकरी थोड़ी है कि 10 से 5 की नौकरी है, वो तो दिन रात जब सिंचाई करनी चाहिए तो घरेलू कॉटेज इंडस्ट्री है समझो, घर का हर आदमी लगा, बच्चा भी पता लगे छोटा सा है वो भी मेहनत कर रहा है उसमें। धीरे धीरे लोग खत्म हो गए, खत्म हो गए तो यजमानी प्रथा भी गई खतरे में। जब वो खतरे में गए, अब बाल बनाने वाले लोग ही नहीं, सब गांव में से चले जा रहे हैं, पुरुष ही तो बाल बनवाता था, पुरुष गायब हो गया, तो नाई भी अपना सैलून शहर में खोल लिया, दुकान खोल लिए, ब्याह शादी के लिए आप वेडिंग पॉइंट और ये सब बुक करने लगे, सुविधा मिलने लगी, कुम्हार उम्हार पानी भरना ये वह सब खत्म कर दिया, बोला यजमानी प्रथा को रौंद दिया। ये बदलाव मान लीजिए, लेकिन एक वजह आती है दूसरी वजह को खत्म कर देती है, जो वजह चल रही थी। आज फिर आप वही गठबंधन, वही बंधन जोड़ते हैं, तो आपको क्या लगा कि नकदी कमाएंगे तो जो बॉन्डिंग थी सोसाइटी की, जो बॉन्डिंग थी, जहाँ डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद, मैं फिर यहाँ बोल दूँ, भेदभाव के बावजूद भी तिरस्कार अपमान का भाव नहीं था, भेदभाव के बावजूद, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में समाज बटा था, ये बहुत सालों तक अभी भी कहीं ना कहीं उपलब्ध होगा, लेकिन एक लिमिट के बाद अपमान नहीं था, क्योंकि हम जानते थे हम कौन हैं। भाई एक कुम्हार को पता है को कुल्हड़ बनाता है, उसको पता है उसका पेशा है कुल्हड़ बनाना। एक मिठाई वाला है, आप चले जाइए, चाहे ब्राह्मण हो चाहे राजपूत हो क्षत्रिय, उसको पता है कि मैं मिठाई वाला हूं। आप उसका व्यवहार, उसकी शालीनता जाके देखिए, क्योंकि उसको मालूम है दुकानदारी बिना शालीनता के नहीं चलती, उसको एक्सेप्ट कर लिया वो। उसमें ब्राह्मण का या छत्री का या फलाना का रौब डालकर कैसे दुकानदारी कर लेगा? कहेंगे तुम्हारी मिठाई यार सही नहीं है, बोले नहीं भैया बनाए तो अच्छा थे यार, सवेरे ही बनाए लड्डू, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, लड्डू का भुजुर भुजुर फूटा जा रहा है यार, पूरा डब्बा में लड्डू एक दिखा ही नहीं, सब फट के अलग हो गया। बोले भैया थोड़ा ताजा था, आप संभाल के नहीं ले गए, धक्का धुक्का लग गया होगा एक्टिवा में। बोले यार पूरे? अरे पूरे नहीं होंगे, 2-4 ठुक बचे ही होंगे, चलिए अगली बार ध्यान देंगे, लाए हो तो बदल दूं, लाए का डब्बा दूसरा दे देता हूं। अच्छा चलो छोड़ो, अब आप चाहे जिस जाति के बड़े तुर्रम खाओ, लेकिन आप दुकानदारी कर रहे हैं तो आप बिहेवियर इसी तरीके से रखते हैं, एक्सेप्ट कर लिए इसको, क्योंकि मालूम है ग्राहकों के साथ हमको कैसे बर्ताव करना है।
ऐसे सब सोसाइटी में यजमानी प्रथम एक्सेप्टेंस ही थी। मालकेन और मालकेन ऐसे, हाँ अरे कोई कपड़ा उपड़ा हो दे दो, अब वो जो कपड़े धुलने के लिए हैं वो लाके देगी, जो नए कपड़े हैं वो ले लेंगे, उसको पता है कहाँ बैठना है, कैसे देना है, कैसे लेना है, ना कोई भेदभाव है ना कोई अपमान है। अरे निर्मला की अम्मा पानी पियोगी, अरे हाँ ले आओ मालकिन पी लेते हैं, भैया नहीं दिख रहे हैं, अरे वो गया है शहर, आजकल वो एडमिशन करा लिए ना शहर में, हाँ तभी तो पिछली बार भी आए, भैया दिखता नहीं है, आपके बच्चे के बारे में पूछ रहा है उसके, ये सब चलता था। जाति अलग है, काम अलग है, भेदभाव जैसा लक्षण दिखता है लेकिन गठबंधन मजबूत है। यहां भेदभाव का मतलब दुश्मनी, अरे भैया जब संविधान नहीं आया था 26 जनवरी 1950 से पहले, जब आर्टिकल 15 नहीं बना था, 14 नहीं बना था, तब भी यही तभी भी ये समाज था, उसके बाद भी ये समाज था, लेकिन भेदभाव कहां था। गांव का किसान आदमी उससे जाके पूछो लैंगिक न्याय क्या होता है, गांव के किसान से क्या समझे लैंगिक न्याय क्या होता है, अपनी पत्नी को बोलता है धूप बहुत है तुम घर जाओ, अभी हमको दो खेत का कौन गोड़ना है, हम गोड़ के आएंगे, क्या समझे। 4 बजे भोर में हंसिया लेके पति पत्नी जाते हैं खेत काटने, जैसे जैसे सूरज चढ़ने लगता है वो आदमी बोलता है अब तुम घर जाओ हम आएंगे 12 बजे, जब सूरज चढ़ जाएगा पूरा। ये करता था लैंगिक न्याय, और जब वो किसी भी इस तरीके की परिस्थिति में होता था, रात को सिंचाई हमेशा वही करता था, पत्नी सोती थी और वो लालटेन लेके कंबल लेके नाली झांकता रहता था, इससे बड़ा लैंगिक न्याय कौन करेगा यार, करेगा कोई, स्त्री पुरुष है ना, है ना, है कोई अन्याय, कहीं भी जाना हो रात को वही जाएगा, रात भर सिंचाई करना वही करेगा, चट धूप में खेतों में काम करेगा वही करेगा, और गल्ला बेचेगा ना, गेहूं बेचेगा, चावल बेचेगा, दाल बेचेगा, जो पैदा होता है वही बेचता है, पैसा पाता है ना, बनिया के यहां से पैसा लाता है, जो दुकानदार जो खरीद के देता, हमारे यहां ऐसे बोलते थे, पैसा ला के कहता था इतना था इतना दिया है, कह रहा है बाकी बाद में देंगे, ये रख लो, वो पूरा पैसा ला के उसको पकड़ा देता है। अरे दूसरे दिन गुड़ नहीं है, जरा 1 किलो गुड़ बाजार से लेते आइएगा, 20 रुपये पकड़ा देती थी, इससे बड़ा आप लैंगिक जेंडर वो जस्टिस कहां पाएंगे, आप कहां पाएंगे सोशल जस्टिस। पत्नी को पता था कि मैं स्त्री हूं, पुरुष को पता था, पति को पता था मैं पुरुष हूं, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन कहीं नहीं था, समानता की बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं, अरे भैया सोशल जस्टिस से भी बड़ा जस्टिस था ये, हमने अपनी आंखों से देखा है, हम लोगों ने अपने गांव में देखा है, यही हुआ है, क्या समझे, यही हुआ है। अगर बैल बहुत मारने वाला हो, बहुत बैल बड़े खराब होते हैं ना, जाओ तो ऐसे लगे रहते हैं, उसको भूसा चोकर चूनी ये घास आदमी डालने जाता था, और जो जानवर सीधा है उसको महिला डालने जाती थी, इससे बड़ा सुरक्षा का भाव कहां से पाएंगे आप, हाँ कहां पाएंगे। और अगर ससुराल अपने जा रहा हो तो सारा बोझ अपने सर पर रख के जा रहा है, पीछे पीछे महिला चल रही है,
खेत में जब बोझ इतना घास इकट्ठा हो जाता था, दोनों काट रहे हैं, तो बोझ पुरुष रखता था, पीछे पीछे महिला हंसिया लेके चल रही है, उसकी पत्नी। दोनों अपनी जगह पे फिट थे, स्त्री स्त्री थी, पुरुष पुरुष था, पति पति था, पत्नी पत्नी, डिस्क्रिमिनेशन कहीं नहीं था, और अन्याय का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ये अन्याय बढ़ा कहां से, कहां से आया अन्याय, जरा बताइए। अन्याय कौन पैदा किया, कौन पैदा किया अन्याय? संयुक्त परिवार टूट गए, यजमानी प्रथा खत्म हो गई, गांव शहर में तब्दील हो गए, रिश्ते गैर संवेदनशील हो गए, व्यवसायिक होने लगे, सामाजिक अन्याय ने जगह ले लिए, ले लिए सामाजिक अन्याय। अब आप फिर हमने झाड़ना पोछना शुरू किया उसको, एथिक्स होना चाहिए, इथिकल होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। गांव में किसी का सामान गिर जाए तो एक आदमी पाता था तो हल्ला करता था, किसका कहां क्या गिरा था भाई, कुआं पर रखा है अपना ले लेना, कहां गई इंटीग्रिटी? तो सामाजिक अन्याय तो बात की विषय हो गया ना। अब आप कहेंगे समाज में भेदभाव ना करो, भेदभाव, अरे भाई हम एक्सेप्ट किए थे, गांव में हमारे ब्राह्मण आता था तो सिराहने बैठता था, उसका सिराहने बैठना हमने एक्सेप्ट किया था कि पंडित जी हम वहीं बैठेंगे। एक रीवा के ब्राह्मण आते थे, रीवा के ब्राह्मण जनरली जाने जाते थे, रीवा की तरफ के मध्य प्रदेश, वो धोती कुर्ता पहनते थे और ऐसे पुटकी टाइप के लिए रहते थे, कभी कभी नंगे पैर होते थे, कभी चप्पल भी जूता भी पहने रहते थे। हम लोग स्कूल जा रहे होते थे और रास्ते में मिल जाते थे तो पहला मुंह से यही स्वर फूटता था, पायला की पंडित जी, वो भिक्षुक है, वो हमारे घर में हमारे गांव में जा रहा भीख मांगने, लेकिन मुंह से क्या निकलता था, पायला की पंडित जी। अरे कौन सा एथिक्स सिखाओगे यार, हम लोग तो भिखारियों का पैर छूते थे, हमने एक्सेप्ट किया था कि ये ब्राह्मण है इसलिए हमको ये बोलना है, पायला की पंडित जी एक्सेप्ट, जब एक्सेप्ट किए तो काहे का डिस्क्रिमिनेशन क्यों भाई? अगर मेरी पत्नी को पता है कि मेरा पति पढ़ाने गया है मुझे खाना बनाना है तो डिस्क्रिमिनेशन किस बात का, कहां है भेदभाव जरा बताओ? और मैंने भी एक्सेप्ट किया है कि भैया मुझको पढ़ाना है तो पत्नी अपना घर पे हमारे लिए नाश्ता पानी बनाएगी, तो डिस्क्रिमिनेशन है कहां? कुरेत कुरेत के, कुरेत कुरेत के, कोच कोच के, फुंसी को फुंसा बना रहे हैं लोग। टीवी डिबेट सुनते हैं, हिंदू मुस्लिम का क्या करते हैं, फुंसी रहती है ना तो उसको कैंसर बना रहे हैं, देखते हैं ना खिड़की बन जाती सात आठ हर शाम, अरे पहले तो प्राइम टाइम और ये टाइम में होता था, अब तो दिन भर लगे रहते हैं। और कई लोगों का रोजगार धंधा यही हो गया है कि फुंसी को फुंसा भी मत बनाओ, कैंसर बना के छोड़ना, बर्बाद कर दो लोगों को, मानसिक रूप से पजल कर दो। हाँ, अरे भाई हमको पता है हम हिंदू हैं, किसी को पता है मुस्लिम है, हमको पता है मंदिर जाना है, उसको पता है उसको नमाज पढ़ना है, अरे करने दो तुम। तीन तलाक का कानून आया, खत्म हो गया ना, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, जहां पर लगता है कि किसी, भाई धर्म कहां यहां आ गया यार, धर्म तो है ही नहीं यहां, आपको हम अच्छा खाना खिलाना चाहते हैं इसमें धर्म कहां से आ गया, हम आपको जूस पिलाना चाहते हैं इसमें धर्म कहां से आ गया, हमने कहा चलो सिनेमा देखने चलते हैं, धर्म कहां आड़े आ गया, बिना मतलब के घुसड़ दे रहे हो यार कोई चीज, यूनिफॉर्म सिविल कोड में धर्म कहां से घुस गया, ये तो फैसिलिटी घुस रही है इसमें, सुविधा घुस रही है इसमें, आराम घुस रहा है, ईज ऑफ लिविंग है, लाइफ अच्छी हो जाएगी, खतरे जो फालतू उलते इधर उधर के हैं उसको ठीक किया जा रहा है। अगर इतना नहीं होता तो आर्टिकल 44 में क्या क्या अंबेडकर अकेले लिख रहे थे संविधान, उन्होंने तो ड्राफ्ट किया था, सैकड़ों लोगों ने मिलकर के संविधान की रचना किया, आर्टिकल 44 को क्यों महत्व मिला फिर है? अरे क्या बात कर रहे हैं आप, लेकिन ये जो मवाद भर दिया गया ना दिमाग में, ये भरने वालों की गलती है,
ये जो विरोध करते हैं उनकी गलती नहीं है, ये जो मवाद भर दिए उनकी गलती है। मेरा ऐसा मत है कि एजुकेशन सिस्टम में तो सुधार होना चाहिए, अभी एजुकेशन पॉलिसी आई है। हमें लगता है कि जैसे लोग कहते हैं ना कि शिक्षा में अच्छे लोग आने चाहिए, मतलब अगर कहा जाए तो पॉलिटिक्स में भी अच्छे लोग आने चाहिए, अब तो मैं कहता हूं कि मीडिया में भी अच्छे लोग आने चाहिए। ये जो बड़े बड़े टीवी में हल्ला करते हैं इनको भी अच्छा होना चाहिए, ये चाहे तो समाज का तहस नहस कर दें। आवाज तो इन्हीं की जोर से सुनाई देती है। फिर एथिक्स, इंटीग्रिटी, सोशल जस्टिस, सोशल वेलफेयर से भरे लोगों की जरूरत है मीडिया में भी। अपना एजेंडा सेट करने, एजेंडा चलाने, अपने निजी स्वार्थ को साधने और देश के लोगों का नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से दूर रहने की जरूरत है। आप चले जाइए मीडिया घराने में, जाके मीडिया में देखिए, भाई साहब टीवी खोलो दिमाग पंचर हो जाता है, खबर तो है ही नहीं, डिस्कशन है केवल। वाइबल वाइबल करो, वायरल करो, बस। कभी पंचशील समझौता बताओ बढ़िया सा, लोगों के सार के बारे में बताओ क्या दिक्कतें हैं, लेके बैठ गए यार तुम तो। जैसे संयुक्त परिवार किसने तोड़ा, शहरीकरण और औद्योगिकरण ने, जजमानी प्रथा टूट गई, सब तितर बितर हो गए। अब कहते हैं लोग दूसरों से मिलना नहीं चाहते, लोग दूसरों को टाइम नहीं देते। अच्छा, लोग कहां से टाइम दे देंगे, आपकी गाड़ी बड़ी उसकी गाड़ी छोटी कैसे रहेगी, आपका मकान बड़ा उसका मकान छोटा कैसे रहेगा। अब लड़ाई बराबरी का, हमने राइट टू इक्वालिटी को यहां लेके खड़ा कर दिए। आपको क्या लगता है हमने जाति, वर्ग, वंश इन सब के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन रोक दिया, लेकिन आर्थिक वर्चस्व में डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया, हमारा डिस्क्रिमिनेशन का स्थिति बदल गया। पहले हम जाति के आधार पर भेद करते थे, धर्म के आधार पर भेद करते थे, वंश के आधार पर भेद करते थे, अब आर्थिक आधार पर भेद करते हैं। ये बीमारी दूर हुई कि नहीं उसको छोड़ दीजिए, जो आर्टिकल 15 में लिखा है, लेकिन एक नई बीमारी हो गई। बड़ी गाड़ी से भेद करते हैं, छोटी गाड़ी से भेद करते हैं, अच्छे कपड़ों से भेद करते हैं, बड़े मकान से भेद करते हैं। बड़ा मकान है तो छोटा मकान तो बेकार है, बड़ी गाड़ी है तो छोटी गाड़ी होनी ही नहीं चाहिए। आपकी सैलरी 1,00,000 रुपया है तो 20,000 कमाने वाले को देश ही में नहीं रहना चाहिए। अरे भेदभाव का तरीका फिर से बदल गया ना, भेदभाव ही बदल गया। तो डिस्क्रिमिनेशन पहले भी था, अब भी है, लेकिन जहां आप डिस्क्रिमिनेशन को ज्यादा देख रहे होंगे, मैं वहां बता दूं, वहां पर सामाजिक न्याय कुछ ज्यादा था, जो मैंने उदाहरण गांव का दिया हूं। क्या समझे, बहुत ज्यादा था।